मान्य अशोक गहलोत जी ने बोर्डो की तो बहुत सी घोषणा की पर बोर्डो का चेयरमैन किसी को नहीं बनाया ना महात्मा का बोर्ड बनाया पर चेयरमैन नहीं बनाया तो चेयरमैन नहीं बनाने से हमारे समाज को कोई फायदा नहीं मिला हमको उसके पिछड़ेपन के अनुपात में उसकी संख्या के अनुपात में हमको प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल रहा है हम बार बार सरकारों को ही चेता रहे देखिये हमारा जो मूल ओबीसी का अधिकार था वो हमें नहीं मिल रहा है या तो मूल ओ का आरक्षण गुजर आरक्षण के जैसे तो हमारे जनसंख्या के अनुपात में हमें दे, दे। या ओबीसी का जो भी आरक्षण वर्गीकरण करना चाहते हैं हमने उनको कहा है कि हमारे मूल ओबीसी के लोगों को जिसमें माली, माली समाज के साथ साथ और बहुत सी जातियां हैं जिनको कि उनका अधिकार नहीं मिला उन सभी को समावेश करते हुए हम चाहते हैं कि हमारा अधिकार हमें मिले मूल ओबीसी जो पहले थी 99 से पहले उन जातियों के बारे में यह सरकार सोचे उनका प्रतिनिधित्व देखे और आकलन करे कि उन्हें क्या मिला कई अगड़ी जातियों ने इस तरह का एक प्रोबोजेंडा हमारे समाज के खिलाफ चलाया था उसमें सच्चाई बिल्कुल नहीं है समाज का जो वोट प्रतिशत जिस हिसाब से जाना चाहिए तो नेचुरल बात है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे और उस गहलोत के नाम से समाज का ज्यादातर वोट मान के चल रहे थे लेकिन ऐसा नहीं है पिछले दिनों में जिस प्रकार से समाज की अवेलना हुई दूसरे समाज कहीं न कहीं उद्देलित हुआ और उद्देलित होने के बाद में समाज का वोट ध्रुवीकरण में हुआ और आज उसका नतीजा भारतीय जनता पार्टी को काफी सारी सीटों में समाज के वोट लोगों ने अच्छा फेवर किया है तो उम्मीद ये लगा के चलते हैं कि सरकार पुरानी सरकार की गलतियों को नहीं दोहराएगी और नई सरकार हमारी वाजिब मांगों को राजस्थान के अंदर जो हमारा वोट प्रतिशत है उसको देखते हुए निर्णय करेगी और समाज को उचित प्रतिनिधित्व देगी ओबीसी में मूल आरक्षण की मांग को लेकर माली समाज ने हुंकार भरी है बीती कांग्रेस सरकार में कई नाराजगी थी लेकिन अब वर्तमान में जब भाजपा की सरकार है तो इन्हें उम्मीद है क्या मांगे हैं क्यों ये आगे की रणनीति को लेकर उन्होंने बैठक बुलाई है इन्हीं से जानते हैं सर पहले तो बताइए कि जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ जब ओबीसी को आरक्षण दिया गया और आरक्षण देने के बाद भी आपकी नाराजगी है क्या मुख्य वजह रही देखिए राजस्थान के सामाजिक परिदृश्य में आप देखते हैं तो सबसे पहले मूल ओबीसी को आरक्षण मिला मूल ओबीसी वो थी जिसको ओबीसी के नाम पर आरक्षण मिला था उसके बाद नाइन में ओबीसी का ओबीसी की परिभाषा बदल गई उसमें कुछ और जातियों का समावेश हो गया उसके पश्चात से ही जो मूल ओबीसी की जातिया थी वो सब पिछड़ गई उसके बाद से ही हमारी जातियों को उसके पिछड़ेपन के अनुपात में उसकी संख्या के अनुपात में हमको प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल रहा है हम बार बार सरकारों को चेता रहे हैं देखिए हमारा जो मूल ओबीसी का अधिकार था वो हमें नहीं मिल रहा है या तो मूल ओ का आरक्षण गुजर आरक्षण के जैसे हमारे जनसंख्या के अनुपात में हमें दे दें या ओ का जो भी आरक्षण वर्गीकरण करना चाहते हैं वो आप करें जिन लोगों को फायदा मिल गया है उनको इस आरक्षण से बाहर निकालें ये हमारे कई विषय थे आज हमने इस विषय पर चूंकि विगत तीन साल पहले भी हमारे समाज के लोगों ने पूर्वी राजस्थान में अधिकांश के जिले के लोगों ने जहाँ पर अति पिछड़ापन है वहाँ के लोगों ने आरक्षण को लेकर अलग से आरक्षण को लेकर कई आंदोलन किया कई बार सरकार से चर्चाएं हुई लेकिन हमारा कोई रिजल्ट नहीं लिखा हम अब इस नई सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं क्योंकि नई सरकार में हमारे कुछ लोगों का प्रतिनिधित्व है और हमें उम्मीद है कि वो हमारी बात सुनेंगे हमने उनको कहा है कि हमारे मूल ओबीसी के लोगों को जिसमें माली समाज माली समाज के साथ साथ और बहुत सी जातियां हैं जिनको कि उनका अधिकार नहीं मिला उन सभी को समावेश करते हुए हम चाहते हैं कि हमारा अधिकार हमें मिले मूल ओबीसी जो पहले थी नाइन्टी से पहले उन जातियों के बारे में

अगर समाज का चेयरमैन बनता और हमारे समाज की बच्चों को स्कूटी मिलती है लैपटॉप मिलता है जैसे गुजर समाज के बच्चों को मिलते हैं हमारे नब्बे परसेंट वोटिंग वोट बो, लेके आते नंबर पर हम कुछ भी नहीं दे, दे सकते हैं समाज के आदमी तो हमारा माननीय और मुख्यमंत्री भजन लाल जी से सरकार से यह निवेदन मांग है हमारी कि हमारा महात्मा फूले बोर्ड बनाया उसका चेयरमैन बनाया जाए और सौ करोड़ रुपए का बजट दिया जाए कम तो से कम माली समाज को और कुशवाओं को माली समाज को नजरअंदाज क्यों कर रही है सरकार क्या ठोस वजह है ये सरकार ये मान के चलते अशोक गहलोत के साथ ये लोग थे पिछली बार और इस बार पता नहीं नहीं आगे रहेंगे रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इसलिए इग्नोर करते हैं लेकिन हम मैं आपको एक, एक बात बताना चाहता हूँ इस बार लोकसभा में अधिकांश माड़ी समाज बीजेपी के साथ था और जहां जहाँ माड़ी समाज के लोग थे वहां ने बीजेपी को वोट दिए और इग्नोर करने वाले जहां तक बात है तो इन्होंने हमारा मंत्री बनाया अविनाश गहलोत साहब को और कैबिनेट मंत्री बनाया इसलिए इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं लेकिन हम चाहते हैं कि भी हमारे महात्मा फुले बोर्ड का चेयरमैन माली समाज की मूल ओ की जो माली जाति उसमें से ही बने और ये दूसरे जाति का बना देंगे तो फिर वो ज्यादा लोग नाराज होंगे हालांकि सरकार आते ही कई बोर्डो के, के चेयरमैन जल्दी बना दिए गए थे और कांग्रेस सरकार के टाइम थोड़ा समय लगा था ऐसे में कैसे देखते हैं कि सरकार से अब उम्मीद है आपको मेरे से नहीं आपको भाई चलो उनसे क्या लगता है कि अब भजन सरकार आपकी भी सुनेगी देखिए सब भजन सरकार को हमारी सुनने के पीछे जो लॉजिक है राजस्थान में वो तो वोट प्रतिशत का जो ध्रुवीकरण हुआ पिछले दिनों में और जो वोट प्रतिशत हमारे समाज ने आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो वोटिंग की है वो आप ही देख रहे हैं कि उन्होंने रिजल्ट प्रभावित किए हैं और रिजल्ट प्रभावित का नतीजा कि एक हमारा कैबिनेट मंत्री है और एक विधायक है लेकिन कहते थे ये आए हैं कि जब बीते चुनाव की बात करें तो माली समाज तो एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में जा रहा था इसलिए तो कहीं ना कहीं भाजपा को खामे जब भी भुगतना पड़ा कई सीटों पर देखिए साहब ये तो बहुत सारी कई अगड़ी जातियों ने इस तरह का एक प्रोपोजेंडा हमारे समाज के खिलाफ चलाया था उसमें सच्चाई बिल्कुल नहीं है समाज का जो वोट प्रतिशत जिस हिसाब से जाना चाहिए तो नेचुरल बात है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे और उस गहलोत के नाम से समाज का ज्यादातर वोट मान के चल रहे थे लेकिन ऐसा नहीं है पिछले दिनों में जिस प्रकार से समाज की अवेरना हुई तो उससे समाज कहीं ना कहीं उद्देलित हुआ और उद्वलित होने के बाद में समाज का वोट ध्रुवीकरण में हुआ और आज उसका नतीजा भारतीय जनता पार्टी को काफी सारी सीटों में समाज के वोट लोगों ने अच्छा फेवर किया है तो हमें उम्मीद ये लगा के चलते हैं कि सरकार पुरानी सरकार की गलतियों को नहीं दोहराएगी और नई सरकार हमारी वाजिब मांगों को राजस्थान के अंदर जो हमारा वोट प्रतिशत है उसको देखते हुए निर्णय करेगी और समाज को उचित प्रतिनिधि देगी और हमारे वोट का गठन करेगी कुछ और लोग हैं इनसे बातचीत कर लेते हैं बीती सरकार में कुछ गलतियां हुई थी और क्या वो ही वापस भाजपा सरकार दोहरा रही है भाजपा सरकार का भी वैसे बने हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है लेकिन गलतियां जो हुई हमारे बच्चों के ऊपर मुकदमे लगे उनपे ये आश्वासन दिया गया लेकिन मुकदमे भी नहीं हटे और उनका आंदोलन भी खत्म कर, करवा दिया गया उसके अलावा हमारी कई के ऐसी कैजियां हुई रेप करने के बाद हत्याएं हो गई वो आज भी खुले घूम रहे हैं गहलोत साहब आग बंद करके बैठे थे उनको अपनी गद्दी पे आ रही थी अब हमारी समाज जिसका तीन बार मुख्यमंत्री बन गया हो तो वो जागरूक तो हो ही जाता है तो हम लोगों को न्याय चाहिए था और न्याय उस सरकार से मिलना बिल्कुल हमको उम्मीद खत्म हो गई थी उनको अपनी कुर्सी पे आ दी थी इसलिए माली समाज उद्देलित होकर दूसरी तरफ गया और नतीजा आप देख लीजिए आज कोटा की अगर सीट जीती है तो माली समाज के पीछे जीती है।, है और जयपुर ग्रामीण बहुत बहुत मतलब अलवर देख लो जो छोट, छोटे छोटे मार्जन से जीती हुई हैं सीटें वो अगर आप उसको उठाकर देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ माली समाज से जीती हैं अब हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि जो अब मूल आरक्षण मंडल आयोग की बात थी हमारे को 27 परसेंट की जगह 21 परसेंट दिया गया जबकि जातिगत कर जनगुर्णगणना कराया तो आप अभी देखिएगा कि आर्थिक आधार पर जो आरक्षण है वो इन्होंने पचास परसेंट से ज्यादा दे दिया लेकिन हमको बोलते हैं कि नहीं हम आपको इक्कीस परसेंट नहीं दे सकते इक्कीस परसेंट में भी इन्होंने फिर राजनीतिक कारणों से और जातियों को इसमें घुसा दिया फिर उसमें हमारा वर्गीकरण करके गुर्जर समाज को जो घुमंतु जाति थी उनको अलग से आरक्षण दे दिया उससे हमारे बच्चों का गला घुट गया है अब हम अगर हम अगर उनकी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर हमारे को जीने का कोई अधिकार नहीं है इसलिए हम जल्दी ही बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं क्या अशोक गहलोत की कुर्सी का प्रेम ज्यादा कम कम बच्चे अरेस्ट हो गए उनका आज तक भी उनके मुकदमे वापस नहीं हुए क्यों मुख्यमंत्री जी ये कहना चाहते थे मैं एक जाति का नहीं हूँ मैं छत्तीस कौम का आदमी हूँ निशंदे छत्तीस कौम के वो नेता हैं बड़े नेता हैं लेकिन हमें ऐसा लगा कि वो उन्होंने हमारे प्रति आंखें बंद कर ली जहाँ तक आरक्षण की बात है हमने उनको स्पष्ट कहा आप विगत पांच साल की नियुक्तियां देख लें आई एस देख लें अधीनस्थ बोर्ड की नियुक्तियां उठाकर देख लें ओबीसी में मालियों का क्या प्रतिनिधित्व है कुंतों का क्या प्रतिनिधित्व है नाइयों का क्या है सैन का क्या है लेकिन कोई देखने वाला नहीं सारा ओबीसी का रिजर्वेशन दो तीन जातियों में बटकर रह गया और हम आज भी यूं ही हाथ मलते रह गए लेकिन हमारी बात पर उन्होंने कोई गौर नहीं किया हमें लगता है उनकी कोई राजनीतिक मजबूरी हो सकती है लेकिन माली समाज का युवा अब जाग रहा है वो समझ रहा है कि हमें बिना आंदोलन बिना संघर्ष किए कुछ नहीं मिलना हम इस मामले में माननीय भजन जी से मिले और भी मिलेंगे और हमें दिल्ली तक प्रधानमंत्री जी तक जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे और हम इस ओबीसी के आरक्षण के मामले को जरूर हल करके रहेंगे बिल्कुल माली समाज आरक्षण को लेकर कहीं ना कहीं आरक्षण मिल गया लेकिन फिर भी मूलभूत सुविधाओं को लेकर कोई ले को लाभ है उन वो लेकर कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है इसको लेकर आगे की रणनीति केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ये पहुंचने की बात कर रहे हैं लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीते कांग्रेस सरकार में एकमात्र कांग्रेस के माली समाज से आने वाले विधायक जो कि मुख्यमंत्री भी थे लेकिन उन्होंने भी कहीं ना कहीं समाज को नजरअंदाज किया और उसके बाद इसका अब समाज को भुगतना पड़ रहा है कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा जयपुर राजस्थान तक